चलिए आगे बढ़ेंगे। अब 9 सेकंड न्यूज में देख लेते हैं हरियाणा में हुई हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर। हरियाणा के नूह में तनाव के बीच काबू में हालात। 5 जिलों में हिंसा मामले में अब तक 93 FIR दर्ज, 176 लोग गिरफ्तार, 78 लोगों को हिरासत में लिया गया। हरियाणा के नूह और गुरुग्राम में भड़की हिंसा के बाद मुस्लिम समुदाय का फैसला, आज जुमे की नमाज घरों में अदा करने को कहा। गुरुग्राम में खुले में नमाज नहीं होगी। गुरुग्राम में जमीयत उलेमा के अध्यक्ष मुफ्ती सलीम कासमी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें भाईचारा बनाए रखने के लिए मस्जिद में जुमे की नमाज नहीं पढ़ने की अपील की है। नूह हिंसा पर हरियाणा सरकार का बड़ा दावा। अतिरिक्त मुख्य सचिव बोले, घटना प्री प्लान्ड थी, साजिश के तहत हिंसा को अंजाम दिया गया। पलायन पर उन्होंने कहा, नूह इलाके से नहीं हो रहा पलायन। नूह हिंसा मामले में हरियाणा सरकार का बड़ा एक्शन। नूह के SP वरुण सिंगला का ट्रांसफर, नरेंद्र बिजारनिया होंगे नूह के नए SP। 31 जुलाई को नूह में भड़की थी हिंसा। नूह से प्रवासी मजदूरों ने शुरू किया पलायन। परिवार के साथ पैदल अपने गांव की ओर निकले मजदूर। हिंसा के बाद खौफ में थे दूसरे राज्यों से आए मजदूर। दिल्ली के पास गुरुग्राम में हिंसा के बाद दहशत में लोग। सेक्टर 70 के पास झुग्गियों में रहने वाले लोगों का पलायन। डर की वजह से अपने गांवों की तरफ कर रहे हैं रुख। नूह में हिंसा के दौरान फायरिंग करने वाले अशोक बाबा ने ABP न्यूज से कहा, हमलावरों की गोलियों से लोगों की जान बचाने के लिए लाइसेंसी राइफल से की फायरिंग। मोनू मानेसर पर पूछे गए सवाल का भी जवाब दिया अशोक बाबा ने। जवाब दिया, कहा वो मोनू को लंबे समय से जानता है, दोनों गौरक्षक हैं, लेकिन उसे मोनू मानेसर ने नूह नहीं भेजा था। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं हरियाणा से जो हिंसा हुई उससे जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें। नूह में हिंसा की नफरती साजिश का एक्सक्लूसिव सबूत आया सामने। नल हरीश्वर मंदिर के पास जान बचाती दिखी पुलिस। एक दूसरे वीडियो में हुई हिंसा के दौरान पहाड़ों से फायरिंग होती दिखी। गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव का बयान, कहा कंट्रोल में है हालात, धारा 144 अभी भी लागू। 5 अगस्त तक रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। हरियाणा में हिंसा को लेकर सियासत गरमाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मनोहर लाल खट्टर पर हमला, कहा हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर दे रहे हैं अजीब बयान। गौरक्षक बिट्टू बजरंगी का बयान, कहा विधायक मामन खान और नूह के विधायक आफताब अहमद के भड़काऊ भाषण की वजह से भड़की हिंसा। बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ भाषण देने का है आरोप। मामन खान के बयान पर BJP ने कांग्रेस को घेरा। ट्वीट कर लिखा, मेवात में हुई हिंसा को कांग्रेस विधायकों के इशारे पर उनके समर्थकों ने अंजाम दिया था। हरियाणा हिंसा पर कांग्रेस ने मनोहर लाल सरकार पर हमला बोला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नूह की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कहा इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस विधायक मामन खान के बयान पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, मामन खान ने काफी पहले विधानसभा में बयान दिया था जबकि दंगा अब हुआ है, ये BJP के ध्रुवीकरण की रणनीति है। नूह हिंसा के बाद दिल्ली NCR में हो रहे BJP और बजरंग दल के प्रदर्शन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बुधवार को कोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक लगाने से किया था इनकार। 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मणिपुर हिंसा से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मणिपुर के चूराचांदपुर में फिर भड़की हिंसा। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों से भिड़े लोग। हालात बिगड़ने के बाद पीछे हटे जवान। मौके से उठता दिखा धुएं का गुब्बार। मणिपुर हिंसा पर राज्य सरकार के मंत्री बसंत सिंह बोले, हमने देखा है कई लोग म्यांमार से यहां आए और आकर बस गए, उनकी पहचान करेंगे और वापस भेजेंगे। मणिपुर पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को घेरा, कहा हर छोटी चीज पर कमेंट करने वाले प्रधानमंत्री चुप हैं, ध्यान भटकाने के लिए BJP VHP वाले दंगे करवा रहे हैं। मणिपुर हिंसा के विरोध में राजस्थान के कोटा में कांग्रेस का प्रदर्शन। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पानी की बौछार की, कांग्रेस के 2 कार्यकर्ता गिरफ्तार। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट
17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।